हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली डोज 5+1 सीरीज। इस सीरीज में हम 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अंत में पूछेंगे आपसे एक प्रश्न। फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरातत्व शास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा शास्त्र, ऑप्शन सी प्रलेख शास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है मुद्रा शास्त्र को सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ठंडा सूखा या सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अटलांटिका। इसका सही उत्तर है अटलांटिका दुनिया का सबसे ठंडा सूखा या सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना देश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है केरल राज्य को भारत में ईश्वर का अपना देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ओजोन परत को, ऑप्शन बी सल्फर को, ऑप्शन सी बादलों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 42%। इसका सही उत्तर है 33% राष्ट्रीय वन नीति अनुसार भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, हमारा आपसे आज का सवाल है, फिटकरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जल शोधन में, ऑप्शन बी कपूर उद्योग में, ऑप्शन सी पेंट निर्माण में, ऑप्शन डी वस्त्रों को रंगने में। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।